ये बताओ। सर अच्छा आपने कल याद बोला था कि याद दिलाए। मैंने बोला था क्या? हाँ अरे यार चलो फिर, तुम मैंने बोला है तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग करने से बस नुकसान ये होता है कि बच्चे वो हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं वो, दिन भर बच्चे मुझसे रिकॉर्डिंग ही मांगते रहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग करना बंद करूँ यार, ये ज्यादा है तो बोझ है, परेशानी है ये। क्या यस सर, बोलते हो कर दो सिमरन? सर, कर देना चाहिए बंद। हैं? हाँ सर, बंद किया तो जो चलेगा सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने में उतना वक्त मतलब नहीं रहता किसी के पास, इससे अच्छा क्लास ही अटेंड कर लो। कोई मतलब नहीं, अगर आप, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग आप तीर मार लोगे तो 100% आपका कुछ भी नहीं होना है। अगर रिकॉर्डिंग देख के आप सीख सकते हो तो आप लोग अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब पे पचासों हजारों लेक्चर पड़े हैं, हजारों रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो देख लो, आप क्यों लाख 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो? क्या बोलते हो भाई स्पंदन? यस सर, लिख लो। एक लाइव क्लास में आदमी का कंसंट्रेशन रहता है भाई, बात वैसे तो रिकॉर्डिंग और ये एक ही चीज है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही रिकॉर्डिंग में दिखेगी, बट रिकॉर्डिंग में उतना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते ना, बाद में आप अकेले बैठ के देख रहे हो, आदमी फिर बोर होता है, उतना कंसंट्रेशन नहीं आता, कोई और काम आ जाता है, फिर क्लास की अटेंटिवनेस अलग होती है, क्लास में क्वेश्चन का भी डर रहता है, बच्चा सुनता है ध्यान से कि कहीं क्वेश्चन नहीं पूछ ले सर, है कि नहीं? तो वो अलग चीज है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेवल 2, लेवल 1 मतलब नीट, और चूंकि नीट और एम और लोगों की मर्ज हो रही है, हाँ इसको देख लीजिए। इफ द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज कैप्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। गौर करिएगा ना, हाँ बेटा देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये उस चीज के बाहर है जो मैंने आपको बताया। निश्चित तौर पर जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये उसी चीज पे है, जो भी वेक्टर, जो भी लोग वेक्टर में मौजूद थे, अभी जो लोग वेक्टर में मौजूद नहीं है बच्चों, नए वाले बच्चों, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग आने में लेट हुए, तो अभी ये आज का लेक्चर वैक्टर पे ही बेस्ड होगा, कल से जो लेक्चर होगा वो वैक्टर पे बेस्ड नहीं होगा, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो 11th क्लास का बच्चा है, अगर आपने वैक्टर रिवाइज नहीं किया है तो आज रिवाइज कर लें, क्योंकि बिना वेक्टर के नहीं होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ही है ग्रेविटेशन फोर्स में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मेरा सवाल है, आता हूँ बेटा, खोलो माइक और हमारा सवाल है, जोरा जबीन बैठी है यहाँ पे, जोरा? यस हाँ बेटा, अब चलिए, तो आप चौथे पार्टिकल को कहाँ रखा बेटा, सेंट्रोइड पर रखने की बजाय कहाँ रख दिया, मिड किस पॉइंट AB ऑफ साइड के AB। कहाँ पे, मिड आपकी पॉइंट पे? ठीक वॉइस है, ब्रेक, मेरी आवाज जोड़ लो यार, ये देखो 1 मिनट, चौथे पार्टिकल को मैंने कहाँ पे रख दिया, एट द पॉइंट D। अब बताइएगा अगर इसको D वाले पे रख दूंगा तो अब इस पे लगने वाले फोर्स किधर आएंगे जोरा? सर ए बी मतलब ए अपने तरफ खींचेगा, बी अपने तरफ खींचेगा और सी भी अपने तरफ खींचेगा। देखो ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सी वाला है उसकी बात करूंगा। जोरा सी वाले फोर्स आप अपनी कॉपी में निकाल के रखो, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू सी, बाकी बच्चों के लिए कहानी तो वही है भाई,
चौथे पार्टिकल को कहीं पे रख दो, पहले सेंट्रोइड पे रखा था, अब यहाँ बात वही, न्यूटन के अकॉर्डिंग जिस पर फोर्स लगाना है सब टूट पड़ेंगे। अब उनको पता चलेगा, अरे ये 2 किलो वाला तो मिड पॉइंट पर रख दिया, ए वाला बोलेगा अरे टूट पड़ो भाई, मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। तो ये ए वाला जो है ये अपनी ओर बुलाएगा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए। जो बी वाला है ये बी वाला अपनी ओर बुलाएगा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सी वाला किधर बुलाएगा, ये सी वाला भी क्या करेगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ मतलब कैसे, ये लाइन है सी वाले की, क्या बोलते हो, ऐसा। तो जो सी वाला है वो कैसे बुलाएगा, इधर बुलाएगा, दैट इज द फोर्स ड्यू टू सी। देख लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल तो ग्रेविटेशन का काम तो इतना ही है, बस कुल मिला के बेसिक ज्योमेट्री और एंगल्स जो हैं वो आपको बच्चों कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो मेरा यहाँ पर मेन सवाल है। ठीक है, चलिए तो जोरा से पूछूंगा। जोरा अपना आंसर निकाल के रख रही है। जोरा के पहले मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा ऋषिकेश से, ऋषिकेश हमें जवाब देंगे। ऋषिकेश सबसे पहले बेटा आप मुझे ए ए वाला, ए और डी के बीच का फोर्स बोलोगे। ऋषिकेश जल्दी बोलना। सर, एफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन एरिया, हाँ कितना डिस्टेंस होगा बोलो ना, डिस्टेंस कितनी फोर होगी इनटू टू ए डी। फोर इनटू टू अपॉन वन हाँ क्यों बच्चों, जी अगर मिड इनटू पॉइंट पर फोर रखा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिड पॉइंट पर रखा है तो ये पूरी ए बी साइड कितनी है, 2 मीटर की है। अगर मिड पॉइंट पर रखोगे बच्चों तो ए और डी के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो ए का फोर्स कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना होगा बेटा, चार फोर इंटू इंटू टू दो अपॉन वन 4 × 2 / 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल स्क्वायर। सही बोला। तो एक, ये 1 का स्क्वायर है ना बेटा, 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर। तो ए का फोर्स कितना आ जाएगा, 12 × एट जी। ऐसे सर, एट ऋषिकेश और बी का एट फोर्स, सर, एट आएगा ना, फोर इंटू टू क्या बात करते हो यार, मैं तो बचपन से ही पढ़ रहा हूँ 4 × 2 = 12 होता है, तुम लोग कहने पे चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो सही आंसर तो 12 ही होता है। हाँ बी का फोर्स कितना है दिव्या, तो बोलो बी का फोर्स कितना आएगा, फिर जोर जब इनसे सी का बोलेंगे, बी का कितना आएगा बेटा दिव्या मिश्रा, कैपिटल सर, 4G, जी, 4G। जी फोर हाँ प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना है फोर दिव्या, इंटू सर टू टू इंटू इंटू टू 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 इंटू टू अपॉन, बाकी सब लोग भी सी का निकाल के फोर रखना, सी वाले में आपको थोड़ी सी अपॉन मेहनत। 1 स्क्वायर हाँ तो जो बी का आएगा दैट विल बी स्टिल 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही भाई तो मुझे माफ करिए, इसके बाद मुझे बताना बहुत मुश्किल होगा। तो ए और बी का फोर्स तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन दूरी। हाँ जोहरा जी, सर, सी का 2 × g 2 × 1 / सर √5/2a, जान √5/, सर 2, ओके ठीक है, √5/2। जानवी धूप दे, क्या नाम है जानवी, तुम्हारा सरनेम बता दो एक बार, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों सर में मजाक उड़ा रहे सरनेम का। जानवी तुम्हारा सही ढूरडे। सरनेम क्या बेटा, धूर डे ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट तुम तो वैल्यू तो बताओ कितनी आएगी, सी का फोर्स कितना आएगा। देखो डिस्टेंस ये नहीं क्वेश्चन निकल रहा है, है, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है, मेरे को लगता नहीं शायद किसी बुक में मिलना चाहिए, अगर आप लोग ढूंढो अच्छी बुक्स में ढूंढना, हल्के में तो शायद ना मिले, पर मेरे को नहीं लगता अच्छी में मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने मन से बनाया है और मेरे को लगता है प्रैक्टिकली सॉल्व हो सकता है। वो डिस्टेंस ही तो मेन है, क्यों बच्चों, जितने भी बच्चों आप बैठे हो सी और डी के बीच की डिस्टेंस ही तो निकालना पड़ेगी, वही तो मेन होगी, क्या बोलते हो।
वो कितनी होगी? यस सर, कितनी होगी? ये बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से सुना, ध्यान से पूरा 100% लगा देना। तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 मीटर। सहमत हो क्या? बी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी? बी और डी के बीच की दूरी 1 मीटर। अब देखो, अगर अगर ये मीडियन है तो मीडियन एंगल वाई सेक्टर पे, ये पूरा एंगल कितना होगा? 60। तो क्या ये एंगल, तो क्या ये एंगल 30-30 होंगे? बोलो। यस सर। तो एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है क्या सर? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे सर। नो, हां सर, पाइथागोरस। देखो भाई, इन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है, ये लोग जल्दी समझ गए। सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल कौन सा है बोलो? बी सी और डी, ट्रायंगल कौन सा है? 30, 60, 90। हाँ, और ये राइट एंगल का बन रहा है? राइट एंगल का बन रहा है? राइट एंगल है। अब बच्चों, अब बहुत से बच्चे ये नहीं जानते, फिर वो बोल देते हैं कि अरे यार ये वाले क्वेश्चन तो मुश्किल है। अरे भाई, फिजिक्स में अगर ज्योमेट्री से दोस्ती नहीं करोगे तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। बेसिक ही लगाना है बस, जो लगाना है ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, जो भी बचपन से पढ़ते हैं। अगर किसी ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं सुनी है तो उसको अधिकार ही नहीं है पढ़ने का भाई। कम से कम पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। ये राइट एंगल बन रहा है, आप जैसा भी लगाओ। यहाँ एंगल कितना बन रहा है बच्चों? यहाँ एंगल सी पे कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये वाला ले रहा हूँ, ये ऑब्वियसली अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। बीसी की साइड कितनी है? 2 मीटर। ये साइड कितनी है? 1 मीटर। सी और डी के बीच की निकालनी है, इसको एक्स बोल लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइपोटेन्यूस। साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हो? ये परपेंडिकुलर मान लो, और इसको क्या मान लो बच्चों? बेस जो मान लो, लगा दो तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3। 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा ये? x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना है? 4 - 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। सही बोल रहा हूँ? ये गलत है, सही बोल रहा हूँ? देख लो भाई। तो BC और BD से किसकी दूरी निकाल ली हम लोगों ने? किसकी दूरी निकाल ली हम लोगों ने? C और D के बीच की दूरी निकाल ली। बस 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 बस। अब फोर्स कितना आएगा? तो C और D के बीच का, C का फोर्स कितना आएगा इस D पे? एक मिनट। 4g/3। ठीक है, तो C का फोर्स कितना आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो फोर्स ड्यू टू C कितना आता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना है बच्चों? 2 × 2 4g 2 × 1 4। अबे 2 × 1 क्यों बोल रहे हो? पहले भी किसी ने 1 बोला था? यहाँ भी 2 kg का रखा है डी पे। 2 × 2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन दूरी कितनी है सी बी के बीच की? फोर्स ड्यू टू सी दैट इज इक्वल टू 4g/3। जोर है जमीन बेटा, आपने गलत बोला था। दैट इज इक्वल टू 4g/3। देख लीजिए, ये पहली बार सीख रहे, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं उनको लगता है यार बहुत बड़ा है, बट जो लोगों को आता है, अगर आप लोग एक बार देख चुके हो ये क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी बना लो। और एक बात और ध्यान रखना आगे के लिए भी, जो बच्चे सोचते हैं मेरे बताने पे तो आपको सीखना है। अब यहाँ 84 बच्चे बैठे हैं, सबका लॉजिक अलग है। कोई ने 10th में ज्यादा पढ़ा है, कोई ने 11th में, कोई ने 12th में, बहुत सारे ऐसे उन्होंने पढ़ाई नहीं शुरू हुई, अभी कर रहे हैं वो लोग रिपीट में। तो बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, या कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो देख के डरना नहीं। अब आप लोग अगर सोचो कि टीचर आपको इजी, अगर मैं आपको सिर्फ नीट का इजी क्वेश्चन जो बुक्स में दिए होते हैं इजी वाले, अगर वो पढ़ाऊंगा तो आपको अभी अच्छा लग सकता है, बट आगे जाके ध्यान रखना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो दिमाग को 360 डिग्री एंगल में घुमाना सीखिए, और जो रिपीट करते हैं उनके पास उतना समय भी नहीं होता कि अपन बहुत धीरे धीरे करके सीखें। तो टफ क्वेश्चन जो मिलता है लेवल टू का मिलता है, अच्छा क्वेश्चन मिलता है, तो उसको चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें कि हाँ हमको आएगा। अभी आपको लग रहा होगा ये 20 मिनट का इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब आप लोग करोगे ना 2-3 बार कर लोगे तो 2 मिनट से अंदर खत्म हो जाएगा ये, बट अपने को उसके लिए धीरे धीरे सब्र इंतजार करना है बस। तो तीनों फोर्स की वैल्यू लिख दी बच्चों, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी, और किसकी वैल्यू लिख दी बोलो, सी की वैल्यू। अब इन तीनों में रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, ये बेसिक का आई क्यू है, इसमें कोई फिजिक्स थोड़ी ना है। बी का फोर्स, ए का फोर्स कितना है बी के मुकाबले, 2 times. अगर बी का 4G तो ए का कितना है 8G, डबल है, तो लेट कर लो। अब किसी को भी लेट कर सकते हो, किसी को भी बच्चों लेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेट क्या कर लूं, लेट क्या कर लूं बच्चों, एफ बी इज इक्वल टू एफ कर लूं क्या, तो एफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2F. और एफ सी कितना आ जाएगा, आप तो ये बताओ एफ बी की वैल्यू कितनी है 4G। अबे ओ एफ बी की वैल्यू कितनी 4G, चंदन जल्दीबाजी नहीं है। अगर बी के फोर्स को एफ बोला है, 4G को अगर एफ बोला है, तो जो सी का फोर्स है वो कितना है 4G/3, मतलब कितना होगा बोलो, F/3 होगा, इसमें कोई दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर हम लेट नहीं कर पाते, धीरे धीरे आ जाता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई फिजिक्स थोड़ी ना है, ये तो कॉमन सेंस है। अगर इसको एक्स माना है तो ये 2x है, और ये कितना है x/3। बस तीनों का फोर्स लिख दिया, इन दोनों का तो ना के बराबर बहुत आसान था, सिर्फ इसकी दूरी भर निकालनी थी बस। अब इस डी वाले पे कौन कौन किधर खींच रहा है बोलो, डी वाले पे आक्रमण कैसा हो रहा है, क्यों डी वाले पे आक्रमण कैसा हो रहा है, आक्रमण कैसा हो रहा है, ए वाला किधर बुला रहा है अपनी तरफ, कितने फोर्स बुला रहा है, ए वाले का फोर्स कितना है 2F. बी वाला अपनी तरफ, बी वाला आक्रमण किधर कर रहा है अपनी तरफ नीचे, कितने फोर्स से बोलो, एफ से। और सी वाला किधर आक्रमण कर रहा है, सी वाला किधर आक्रमण कर रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर किधर की ओर, कितने फोर्स से F/3, एंगल मेन है यहाँ बच्चों, एंगल मेन है, एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90 degree. ये वाला 90 degree. हाँ ये ट्राइंगल पे से आप मानिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसको करने का फायदा ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपका ये कवर हो जाएगा, देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत है, दिस इज द टोटल खींचा खाची, दिस इज द टोटल खींचा खाची किस पे, On the fourth particle. बस इसके बाद फिर क्या करना है, resultant निकालना है, तो resultant हम calculate कर लेंगे। resultant कैसे calculate करेंगे, उसके लिए property फिर से वो, जो लोगों को resultant याद नहीं है इसके बाद उनको समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक का तो आ जाएगा, यहाँ तक का तो नए बच्चों को भी आना चाहिए। मैं हर्ष, यश आप लोग भी मेरी बात सुन रहे हो, क्यों बेटा हर्ष यश ये समझ में आई फोर्स की वैल्यू निकालना, हर्ष पाटिल मौजूद है, यश बेटा आवाज आ रही मेरी, हर्ष आवाज आ रही क्या, आ रही आ रही है सर, आ रही हाँ, यश बेटा आपको आवाज आ रही मेरी, चलो उसको आवाज पता नहीं जा रही है, या हो सकता है कल्टी भी कर गया हो, चालू करते बच्चे ऐसा भी कर देते हैं भाई। तो ये वैल्यूज निकाल ली, ये नीचे जा, एक मिनट की जरा इसको आराम दो, रिफ्रेश किया, ये किया, वापस चले गए सेक्शन 14 पे, अटक क्यों गई,
ये देख लीजिए, बस अब इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा ये हमें बताएंगे। गौरी निकार, गौरी बेटा माइक चालू करो। यस सर। गौरी मुझे बताइए, गौरी सबसे बताओ बेटा, ये किसका फोर्स है हमारा, ए का, ये किसका है बी का, ये किसका है सी का, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसको आसान है सॉल्व करना गौरी? 2f और f। हाँ सब लोग सोचो, ये ए का है, ये बी का है और ये किसका है, सी का। हाँ गौरी से पूछ रहा हूँ बट बाकी सब लोग सोचेंगे। हाँ गौरी, ए और बी कैसे हैं, ए और बी के बीच एंगल कितना है? 180। कितना है? बिल्कुल 180 डिग्री। अपोजिट है, अपोजिट डिग्री पर रिजल्टेंट कैसा होता है? सबट्रैक्ट। हाँ अब देखो बच्चों, बाकी किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर आप ए और बी को ही सॉल्व क्यों कर रहे हो, क्या ए और सी को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, ये आपकी समझ है। तो पहले जो आसान हो उसको सॉल्व करो। जैसे अपोजिट डायरेक्शन के रिजल्ट हमको डायरेक्टली पता है, सेम वैल्यू के रिजल्ट हमको डायरेक्टली पता है। क्यों बेटा गौरी, क्या तीनों में से यहाँ कोई भी सेम वैल्यू का है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, तो सेम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो गौरी आप बताओ बेटा, ए और बी का रिजल्टेंट किधर आएगा? एक में। हाँ कितना आएगा, ए और बी का रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए सर, निकालू मैं? निकालने की जरूरत नहीं, देख के समझ में आ जाएगा। ए और बी फोर्स दोनों कैसे हैं, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आता है? F आएगा। हाँ, कितना आएगा, 2F माइनस F माइनस कर दोगे और किसकी तरफ आएगा, ए की तरफ की बी की तरफ? ए की तरफ, ए की तरफ। तो ये दिया मैंने F। हाँ गौरी ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण, ड्यू टू ए एंड बी, ए नहीं, ए के कारण तो एफ, 2F है इसके कारण F है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 2F माइनस F किसकी तरफ होगा, A की तरफ। तो ये F क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ए एंड बी। और ऐसे D पे कौन सा लग रहा है, D पे कौन सा लग रहा है, एक F बाय थ्री इधर भी लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देख लीजिए। बस अब रिजल्टेंट किसका निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लिया, तीन फोर्स से कितने हो गए, तीन फोर्स से कितने हो गए, दो। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना है, सिंगल बनाना है। इन दोनों का रिजल्ट क्या मिड पॉइंट पे आएगा बताओ, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा? नो सर। क्यों नहीं आएगा बेटा, किसकी तरफ आएगा, एफ की तरफ आएगा। हाँ बिल्कुल, कितना आएगा, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट दो फोर्सेस का कैसे लिखते हो, 90 डिग्री पे क्या रूट टू टाइम्स आएगा, पहले ही बताओ गौरी, बाकी लोग मेरी बात सुनना, क्या रूट टू टाइम्स आएगा? नो। देखो ऐसे ही अपना दिमाग को जोड़ दो, रिवीजन, रूट टू टाइम्स कब आता है, रूट टू टाइम्स कब आता है, कब फोर्सेस इक्वल रहते हैं। बिल्कुल, बस यही तो बात है यार, यही तो मैंने सिखाया, जब फोर्सेस इक्वल हो। यहाँ तो एक फोर्स एफ लग रहा है, एक फोर्स एफ बाय थ्री लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रूट टू टाइम्स नहीं होगा, कितना होगा, फॉर्मूला बोल दो बेटा, अंडर रूट एफ कितना होगा बोलो, क्या लिखूं, एफ वन कितना ले लूं, दोनों फोर्स के लिख दो, कितना लिखूं, ऐसा लिख दो, एफ वन स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ अपॉन रूट थ्री होल स्क्वायर, रूट थ्री नहीं एफ अपॉन थ्री होल स्क्वायर प्लस टू, प्लस टू एफ एफ वन इंटू एफ बाय थ्री, हाँ कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 90, बस सीख जाओ कैसे आप, देख लीजिए। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा, तो एफ और एफ बाय थ्री का रिजल्टेंट ये होगा। क्या बच्चों कॉस 90 की वैल्यू जीरो आएगी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये cos 90 की वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, यही पढ़ाया गया था यार कॉपी में, देखो तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई, कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, तो ये कितना आएगा f स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, s स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 9, ऐसे में कितना आएगा बेटा
एलसीएम लेके कितना आएगा बोलो रिजल्ट? 10f² / 9 मतलब कितना? 10 तो रूट में आ जाएगा, f स्क्वायर f बाहर आ जाएगा, और 9 से कितना बाहर आ जाएगा? f रूट 10 बाय 3। दिस इज क्या? दिस इज व्हाट? ये क्या है? ये क्या बोलो? रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस पे? किस पे? ऑन बी फोर्थ पार्टिकल। किसके कारण? ड्यू टू ए बी एंड सी। ड्यू टू ए बी एंड सी। देख लीजिए एक बार, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल कहानी है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहले तीनों के कारण फोर्स लिख दिए, अट्रैक्टिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों के कारण फोर्स की वैल्यू लिख दी, इसकी दूरी नहीं पता थी, दूरी निकाल ली, तीनों की वैल्यू लिख दी। तीनों की वैल्यू से ये पाया कि एक फोर्स एफ है, दूसरा 2f, एक एफ बाय 3। तीनों के डायरेक्शन लिख दी। यहाँ से थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाने लग जाएगा कि तीन फोर्सेस हैं, तो तीन को बना के सिंगल, तो पहले तीन से दो बनाएंगे, फिर दो से हम लोग क्या करेंगे? एक बनाएंगे। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दिया, वो एफ है, और वो किसकी तरफ आएगा? बड़े वाले की तरफ। और एफ और एफ बाय थ्री का कितना रूट? ये अगर चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, बट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी तरफ आएगा? ऐसा आएगा क्यों बच्चों? रूट टेन एफ बाय थ्री, इससे कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। और इससे कितना एंगल बनाएगा? बेटा। निकाल सकते हो, यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वो पूछा ही नहीं। ठीक है जानवी सर, एंगल निकालना बेटा? एंगल निकालना, एंगल निकालना नहीं पूछते नीट में। वैसे एंगल निकालना मैंने आज तक कभी नहीं देखा एंगल। वैसे एंगल बाइसेक्टर वाले ही क्वेश्चन आप लोगों के नीट में आते हैं, बट मैंने आपको फिर भी और ऊपर लेवल का बता दिया, कभी एंगल निकाले तो आप वो भी निकाल सकते हो। जानवी कितना आएगा एंगल? वैसे जानवी दूर डे। हाँ सर। कितना आएगा अगर एंगल निकालते तो? बाकी लोग नोट कर लो। टेन अल्फा कितना आएगा? जानवी बोलेगी tan alpha is equal to f sin theta upon f by 3 plus f cos theta। हाँ, बाकी देखो मैंने बोला ना, डरना नहीं है, अच्छे क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो f और f by 3 का रिजल्टेंट तो ये आ गया, कितने एंगल पे आएगा? तो उसकी तरफ आएगा, f की तरफ। तो इससे अल्फा एंगल बनाएगा, इससे बीटा एंगल बनाएगा। कभी पूछे भाई, पूछते तो मुझे पता है कभी नहीं है, बट अगर निकालना हो तो हमने सीखा है ना टेन अल्फा कैसे लिखते हैं। क्यों बच्चों? टेन अल्फा कैसे लिखते हैं? जिसके साथ बनता है उसको नीचे क्या लिखते हैं? जो लोग वेक्टर में मौजूद थे, टेन अल्फा। जिसको जिसके साथ अकेला, तो यहाँ पे अकेला किसको लिख दोगे? एफ बाय थ्री को अकेला लिख दो। प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है? अल्फा। इसके दूसरा कौन सा है? एफ को न्यूमरेटर में भी, एफ को डिनोमिनेटर में भी। बताया था ये मैंने, यहाँ साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस लिखते हैं, यहाँ कितना लिख दोगे? 90। और यहाँ भी क्या लिख दोगे? कॉस 90। बस देख लो, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। साइन 90 कितना हो जाता है बोलो? 1। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 1/0 एफ। नहीं नहीं, अबे ये 0 है सिर्फ, ये 0, ये तो बचेगा ना। तो एफ अपॉन बाय 3, एफ से एफ कट जाएगा, तो टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका एम्स के लिए मैंने बता दिया। देख लो भाई, ऐसे ही बेटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो भाई, ये ट्रायंगल वाले 4 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आपका काम क्या? सुन, अगर और अच्छे सीखना चाहते हो और पूरी तरीके से सीखना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चंस को क्लास के बाद फिर से करके देखना। ऐसी कोई गलत फहमी मत पालना कि आपको आ गया और आपसे बन जाएंगे। आप क्लास के बाद करो, आधे लोगों से नहीं बनेंगे, क्योंकि सुनना है और करने में बहुत फर्क होता है। तो आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चंस को करके देखिए। शुरू के 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे और 4th क्वेश्चन आप लोगों के लिए एम्स के लिए। तो जो लेवल 1 के वो आसानी से बन जाना चाहिए।
हाँ बेटा अगले पेज पे आऊंगा, बोलो क्या करना है, बोलो वाले का। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो, ठीक है आवाज तो आती जाती रहती है, उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वापस रिजॉइन कर लेना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर, अभी ट्राइंगल के बताए थे, अब स्क्वायर के बताऊंगा। क्वेश्चन देखना है, स्क्वायर वाले भी आसान होंगे। पहले लेवल वन की बात करता हूँ, नीट के लेवल के क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है इफ फोर पार्टिकल्स, आप लोग मेरे साथ लिखिएगा बच्चों, ठीक है। मास है ये लिख लो, एक मिनट ऐसा लिखना, इफ फोर आइडेंटिकल पार्टिकल all of mass 2 kg is kept on a square of side 2 meter as shown। सब लोग मेरे साथ में लिख लो, चारों पार्टिकल आइडेंटिकल है। अभी और सीखने का वक्त है, अभी से डरना नहीं भाई, अगर आप में से कोई डरता हो तो। अब यहां से आपको और प्रैक्टिस होगी, अभी देखना। तो चार पार्टिकल है, चारों पार्टिकल का मास कितना है बच्चों, 2 kg, उसको कहां रख दिया स्क्वायर पे, स्क्वायर की साइड कितनी है 2 meter कीजिए, ये सामने बना रहा हूं, स्क्वायर की साइड कितनी है 2 meter, स्क्वायर के वर्टेक्स को नाम क्या दूंगा, ए बी सी डी, चारों वर्टेक्स पे कितना मास रखना है। बस ग्रेविटेशन का जो ये वाला पार्ट है ना, इसी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा दिमाग क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट और सॉल्व करना पड़ता है। बाकी इसके जो बाद वाले पार्ट है उसमें कहीं पर भी कोई रिजल्टेंट का यूज नहीं होगा। नए वाले बच्चों आप लोग ये मत सोचना कि पूरा टॉपिक ही वेक्टर पे बेस्ड है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके बाद मैं कभी नाम नहीं लूंगा। फिर हम वही बात करेंगे जो आप लोगों ने बचपन से सुनी थी, ग्रेविटी, कैपलर्स लॉ और ये सब जो ग्रेविटेशन के टॉपिक्स आप लोगों ने सुने होते हैं, बस ये वाला टॉपिक जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें थोड़ा वेक्टर यूज होता है, हालांकि ये बहुत आसान है। अभी देखिए आपको और प्रैक्टिस होगी, ये लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ। अभी सब लोग तैयार हो जाइए, किसी से भी पूछ सकता हूँ किस पे निकालना है। देखो, फाइंड द फोर्स ऑन बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन फिफ्थ पार्टिकल, ये दो लेवल टू के क्वेश्चन, नीट फॉर नीट, फाइंड द फोर्स ऑन फिफ्थ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg कैप्ट एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखना, चूंकि भाई अब आप लोग भी पुराने हो गए हो, 11th वाले भी और रिपीटर के बच्चों, आप लोगों दोनों को एम्स के क्वेश्चन भी चाहिए और नीट के क्वेश्चन भी चाहिए, क्योंकि एम्स और नीट आप लोगों को जानते हैं मर्ज हो गई है। पहले दोनों अलग अलग हुआ करती थी, अब दोनों मर्ज हो गई, तो हमें दोनों लेवल के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है दोनों, लेवल वन का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। लेवल टू में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, चलो 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 चलो, आ जाओ भाई। रिदल आ जाओ बेटा माइक पे। रिदल, यस सर, आ जाओ बेटा माइक पे, आवाज आ रही मेरी रिदल? चलो, हाँ भाई, हाँ आ जाओ, सब लोग तैयार हो भाई, बाकी लोग भी ना, बीच में से भी किसी को उठा सकता हूँ। रिदल, मैंने बोला फोर्स निकालना है किस पे, फर्स्ट वाला, फाइंड फोर्स ऑन बी। अब अभी मीटिंग खत्म होगी बेटा,
82 स्टूडेंट है, अगर हालांकि दो चले गए, उनके नाम मुझे पता चल गए, फिर से ज्वाइन करना है सब, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। हाँ रिदल बेटा, बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सर बी पे ई भी लगाएगा, सी भी लगाएगा, सेम टाइप के फोर्स रहेंगे, और डी वाला जो लगाएगा वो थोड़ा अलग टाइप का फोर्स मींस ये होएगा। बहुत सुंदर, बिकॉज़ ऑफ डिस्टेंस। हां बहुत ही अच्छा बोला, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोला हिमांश। एक मिनट, ठीक है बेटा आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी खुशबू साहू, देखो आवाज से समझ में आता है, दिल ने आवाज से स्पिरिट समझ में आए थे, सर उसने सॉल्व किया, उसने बनाया था। हाँ बेटा खुशबू बताओ। हाँ मैंने बोला बी पे, मेरी बात क्या है कि जिस पे फोर्स लगाना है मार्केट में, एक मिनट सुनना पड़ेगा फिर आपसे पूछूंगा, जिस बेटा माइक पे आवाज आ रही है, जिस पे फोर्स लगाना है बी वाले पे फोर्स निकालना है तो इस पे तीनों टूट पड़ेंगे, अगर ऐसे शुरुआत नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ए वाला भी टूट पड़ेगा, होड़ मची हुई है, सी वाला भी टूट पड़ेगा और डी वाला भी टूट पड़ेगा, सबके सब अपनी और बुलाएंगे, ठीक है। चलिए क्या किससे पूछा था, खुशबू?